चेमसी uh, की सबनों या सबको पास्टर जॉनी फर्नान्डिस होली नेशन चर्च के साथ जुड़ा हूँ लंडन और हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च साइप्रस जो मेरी टीम ने मेरे साथ स्टार्ट किया था 2018 अक्टूबर में और मैं गोवा का हूँ थोड़ा सा आज मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा ज़्यादा इंट्रोडक्शन मेरा मैंने मेरे, मेरे बारे में नहीं दिया है लेकिन आ, मैं गोवा का हूँ मैं गोवा में पैदा हुआ था लेकिन अभी चौबीस छवीस साल हो गए मैं लंडन में हूँ और खुदा की सेवा कर रहा हूँ होली निजी चर्च ये असम्बलीस ऑफ गॉड की चर्च है और बहुत मेरा सफ़र होता है बहुत देशों में मैं 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 मिनिस्ट्री कर रहा हूँ और करता था अभी के लिए मेरा मकसद थोड़ा सा साइप्रस के देश में है केनिया में यूगेंडा तंजानिया पोलैंड यूक्रेन मोल्टा हंगरी कोर्स इंडिया गोवा मुंबई पंजाब इस इस, इस स्टेट्स में मैंने काम किया मैं गोवा का हूँ जब दस साल का था मेरी मुक्ति हुई थी और अभी चालीस साल जैसे हुए हैं मैं मसीह में हूँ और एक दिन मैं मेरा गवाही भी दूंगा मैं खुदा में कैसा आया मैं इस तगड़ा रोमन कैथलिक का धर्म में पैदा हुआ था लेकिन ज़बरदस्त मेरी गवाही है वेट करो थोड़ा सा ऑडियंस बिल्ड हो जा रहा है आपके लो, आपके लोगों को दोस्त सॉरी दोस्त लोगों को बताओ कि इसका सब्सक्राइब करने को ये चैनल ताकि आप लोग ब्लेस हो जाएंगे लेकिन ये मन में रखो आपके जो चर्च है कलीजा है उसके साथ जुड़ने का मत मत गड़बड़ करो ये ज़रूरी है मेरे लिए कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मुझे चाहिए कि आप लोग आपके चर्च के साथ भी जुड़ते रहेंगे और फ्री टाइम मिलेगा तो फिर मेरा चैनल्स चैनल पे जो आता है वो देखने का क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी उनके चर्च से अलग हो जाएंगे क्योंकि मैं इस पे बहुत खिलाफ़ हूँ और इस पे मैं बहुत टीचिंग देता हूँ कि ऑनलाइन ही सिर्फ ऑनलाइन मत करो ऑनलाइन मत करो ऑनलाइन ज़रूरी है और मुझे पता है कि आप लोग ब्लेस हो जाएंगे कि आ, मेरे से कि आप ये प्रचार देख के सुन के और बहुत कुछ आ रहा है वर्शिप का माहौल में जाएंगे कभी कभी लोगों को इंटरव्यूज़ लगाएंगे हम इधर या करवाएंगे बहुत ज़बरदस्त पावरफुल टेस्टर गवाहियां गवाहियाँ होंगी लोगों की कैसे मसीह में आए और बहुत चमत्कार की गवां भी होगी सब सब ये हम रेडी कर रहे हैं बैकग्राउंड में काम चल रहा है बहुत जो इस चैनल का साथ दे रहे हैं क्योंकि ये सब मेरे लिए भी नया है मेरे साथ मेरा मेरा और चैनल है पास्टर जॉनी फर्नाडिस आप ये कर सकते हैं गूगल गूगल में या यूट्यूब में और उधर भी मेरा मेरा बड़ी सब्सक्रिप्शन है लेकिन ये नया सिर्फ इंडियन हिंदी जो स्पीकिंग लोग हैं जो हिंदी समझ सकते हैं उनके लिए खास बना रहा हूँ और दूसरे देशों में भी जो हिंदी बात कर सकते हैं और उनको पता है हिंदी हिंदी जो भाषा है मैं खुदा का बहुत बहुत आभारी हूँ थैंकफुल हूँ कि मुझे थोड़ी सी हिंदी आती है मेरी हिंदी अगर थोड़ी सी गड़बड़ की है तो माफ़ करो मैं स्कूल में सीखा था गोवा में इसलिए मैं हिंदी बात कर सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ तो ये बहुत बहुत मेरे लिए भी एक बहुत आ, आ, खुशी की गले या खुशी का एक ये है आ, फीलिंग्स महसूस हो रही है कि मैं हिंदी हमारे इंडिया की हिंदी जो भाषा है मैं वो पढ़ भी सकता हूँ क्योंकि स्कूल में मुझे मेरे टीचर लोगों ने सिखाया था तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी और आज का वचन मैं ले रहा हूँ गलियो गली चैप्टर से चैप्टर सिक्स और वर्स नाइन से नो चैप्टर छः और वर्स नाइन से इधर लिखा है और ख़ास करके ये मुझे एक जो घटना हुई है पंजाब के गांव में देश में सॉरी स्टेट में गांव नहीं देश नहीं आ, स्टेट में कभी कभी मजाक भी कर, करता हूँ मैं तो ये स्टेट में हुआ पंजाब के बहुत दिल को टच किया और मैं लास्ट वीक साइप्रस में था और ये सब पंजाबी लोग मेरे दोस्त लोग उन्हें मुझे बहुत बताया कि एक बड़ा सिंगर था आ, इसका नाम था सिदू मू वाला लगता है और मैंने उसका वीडियोस भी देखे थे और मेरा जो बेटा है मेरे मेरे मुझे चार बच्चे बड़ी बेटी है फिर उसके बाद तीन बच्चे आसान नहीं है तीन बच्चे का संभाल करने को लेकिन फिर भी कर रहा हूँ अभी भी तगड़ा हूँ मैं पचास साल का हूँ लगता है मेरी उम्र थोड़ी सी कम है लेकिन पचास साल का हूँ मैं अप्रैल में, में मेरा पचास साल हो गए हैं तो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ खुदा का काम का का करके और बहुत मज़ा आ रहा है खुदा का काम खुदा की सेवा करने को तो सिद्धू मूसेवा वाले का जो जो मॉल था ये बहुत दुखी का कि उसको जैसा मारा गया है ये बहुत 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 दुखी का बहुत ये कोई भी बर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा अगर होश में होगा सही होश में होगा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा लेकिन क्या करें जो होता है वो होता है लेकिन फ्यूचर के लिए हम कुछ कर सकते हैं ऐसी घटना हो जाएगी और हमारे हाथ में कुछ भी कुछ भी होगा करने को हम कर सकते हैं कि ये क्यों बोल रहा हूँ मैं कि, कि आ, ये जो अभी ये है वचन मुझे दिया है खुदा ने इससे हमें इनक्रेजमेंट मिलेगा आगे के लिए कभी भी मैं और आप इस माहौल में होंगे तो फिर कुछ करने का तो इधर लिखा है गलतियों का चैप्टर चैप्टर छः और आयत नौ वर्स नाइन लेट अस नॉट बिकम वियरी इन डूइंग गुड फॉर एट द प्रॉपर टाइम वी विल रीप हार्वेस्ट इफ़ यू डू नॉट गिव अप हिंदी में इसलिए आओ हम भलाई करते कभी ना थके क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे तो उचित समय आने पर हमें उसका फल मिलेगा तो ये वचन और मुसे वाला का क्या संबंध है जब मुसे वाला सिद्धू को मारा गया था तो पता पता लग रहा है कि या पता हो रहा है कि वो अभी एक एक पंद्रह मिनट में गाड़ी में वो वो तड़प 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 रहा था और किसी ने उसको हेल्प नहीं किया मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मुसे वाला को लेके सब सहमत हूँ सब उसने अच्छा किया था ये बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ये भी बात है कि मुसे वाला बंदूक को लेके बहुत बड़ा बड़ा बड़ाई कर रहा बड़ाई कर रहा था और ये इस पर मैं कभी किसी का साथ नहीं दूंगा क्योंकि जो बंदूक होता है राइफल होता है उसका बड़ाई बड़ाई करेंगे तो फिर ये भी सही नहीं होता है खुदा के सामने हम पार्सल लोग हैं तो पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी जो उसकी हालत थी जब उसको मारा गया था तो हो सकता है हो सकता है अगर कुछ करते थे उस टाइम हो सकता वो बच जाता था हो सकता अगर नहीं भी बच जाता तो अलग बात होती है लेकिन लोग कुछ कर सकते थे उस पर मैं ध्यान डालूंगा तो इधर लिखा है कि इसलिए आओ हम भलाई करते कभी ना थके तो किसी की भलाई अगर हमें करने को मौका मिलेगा तो हम कभी भी नहीं थकेंगे करते रहेंगे और हो सकता है जो लोग थे उधर अगर ये वचन उनको पता होता था तो फिर वो हो सकता है उसको जल्दी से जल्दी खेती में या या, या, या तुरंत फ़ोन लगाते थे एमरजेंसी एम्बुलेंस को या उनके किसी दोस्त को और वो जल्दी से जल्दी उसको हो सकता है हॉस्पिटल में ले के जा सकते थे हो सकता है वो बच जाता था पता है राइफल से एक के फोर्टी सेवन से गोलियां चलाएं तो आसान नहीं था लेकिन फिर भी अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम हम हमें करने की ज़रूरत है सही ना <coughs> फिर लिखा है क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे तो उचित समय आने पर हमें उसका फल मिलेगा इंग्लिश में फॉर एट द प्रॉपर टाइम वी विल रीप अ हावस्ट हावस्ट जो होता है उचित समय आने पर हम उसका फल मिलेगा हो सकता है टाइम आएगा कि हमें भी ऑफकोर्स रायफल की बात नहीं कर रहा हूँ मानने की कोई भी एक समय आएगा कि हमें भी किसी की हेल्प जरूरत होगी तो उस टाइम जो भी हम करेंगे किसी के लिए तो वो फिर खुदा हमें उसका फल देगा तो ज़रूरी है कि थको मत भलाई करते करते रहो किसी की क्योंकि अच्छे राइट समय पे सही समय पे जब आप और मैं किसी चीज़ को लेके हमारी उस हम हम उस हालात में आएंगे तो फिर खुदा किसी को भेजेगा हमारा हेल्प करने को या हमारी जो जरूर ज़रूरतें हैं उस उसका इंतज़ाम करने को तो ये आज का छोटा सा वचन है तो इनक्रेज हो जाओ कि आप ये करते रहेंगे और और भलाई करते रहो थको मत अच्छा करने को मत थको बहुत लोग बोलेंगे आपको ए, छोड़ दो ये करो मत करो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अच्छा ही चंगा ही करते जाओ करते जाओ करते जाओ खुदा देख रहा है खुदा की निगाह नजर आप पर है और खुदा डेफिनेटली आपको ब्लेस करेगा क्योंकि खुदा का दिल रो रहा है अभी ये मौसा वाले को लेके मुझे लग रहा है क्योंकि उसकी घटना इसी इस इस तौर पे हुई इस हिसाब से हुई दिस इज़ वेरी सैड और आज मैं प्रार्थना करूँगा कि जो भी हम ये वीडियो देख रहे हैं कि आप अच्छे काम करते जाएंगे यीशु के नाम में ब्लेस करो एम्पावर करो लोगों को और तगड़ा बनाओ ताकि जो भी वो उनके हाथ में है जो कर सकते वो वो करेंगे और वो कभी नहीं थकेंगे यीशु के नाम में आमेन आमेन आमेन